स्टार्ट करते हैं चैप्टर 46, वॉच योर डाइट. गुड न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर अ चाइल्ड्स फिजिकल हेल्थ एंड इम्पॉर्टेंट फॉर एकेडमिक सक्सेस. एक गुड न्यूट्रिशन मतलब एक अच्छा पोषण एक बच्चे के लिए, उसकी फिजिकल हेल्थ के लिए और उसके एकेडमिक सक्सेस मतलब वो जो भी पढ़ लिख रहा है उसमें वो अच्छे से कर पाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है. द बेस्ट डाइट इज़ बैलेंस. बेस्ट डाइट जो होती है, सबसे अच्छी डाइट जो होती है, वो एक संतुलित आहार होता है जो जिसमें फ्रूट्स भी होते हैं, वेजिटेबल्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं और होल ग्रेन्स भी होते हैं, अनाज भी होता है. ठीक है बच्चों, तो जानेंगे हम कि हमें कैसे अपनी डाइट को अच्छा रखना चाहिए. तो दिस इज़ अ फूड सर्कल. ओट मील, सबसे पहले हम जानेंगे ओट मील क्या करते हैं हमारे लिए और हमें इन्हें क्यों यूज़ करना चाहिए. ओके, सो ओट मील एट्रीब्यूट स्लोअर एंड प्रोलॉन्ग्ड रिलीज ऑफ ग्लूकोज इनटू द ब्लड सिस्टम विच इन्हांसेस कॉग्निटिव परफॉर्मेंस. ओट मील क्या करते हैं, हमारी ब्लड सिस्टम से ग्लूकोज को बहुत धीरे धीरे रिलीज करते हैं, जिससे हमारी जो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस है, जो हमारी बॉडी की कॉग्निटिव परफॉर्मेंस है, वो बढ़ जाती है. इसका मतलब कुछ फूड्स ऐसे होते हैं बच्चों जो बहुत जल्दी हमारी बॉडी में ग्लूकोज को प्रोड्यूस करते हैं, वो हार्मफुल होते हैं, हम डायबिटिक हो सकते हैं. लेकिन ओट मील हमारी बॉडी में ग्लूकोज को बहुत धीरे धीरे और बहुत लंबे समय तक के लिए धीरे धीरे प्रोड्यूस करते हैं हमारे ब्लड सिस्टम में से. ओके, नेक्स्ट वी हैव नट्स एंड फ्लैक्स सीड. ये क्या करते हैं, वॉलनट अखरोट, आलमंड मतलब बादाम एंड फ्लैक्स सीड्स मतलब जो अलसी होती है ना उसे कहते हैं फ्लैक्स सीड्स. ये एक बहुत ग्रेट सोर्स है ओमेगा 3 का और फैटी एसिड्स का. ये गुड फैट्स होते हैं बच्चों, इन्हें खाने में कोई हार्म नहीं है, लेकिन एक बैलेंस में हमें इन्हें खाना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि आप इसे खाने बैठे हैं तो आप बहुत सारे खा जाएं. नहीं, ये गुड फैट्स हैं, इनको हमें लेना चाहिए लेकिन एक बैलेंस लिमिट में. चलिए, नेक्स्ट वी हैव बेरीज, स्ट्रॉबेरीज एंड ब्लू बेरीज. Eating berries results in improved coordination, concentration and short-term memory. तो ये हमारी memory के लिए बहुत अच्छी होती हैं, हमारी concentration के लिए ये berries बहुत अच्छी होती हैं. Next we have fruits and vegetables. तो fruits and vegetables are high in antioxidant. ये बहुत high होते हैं antioxidants में, मतलब इनसे हमें रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है. दे हैव बीन लिंक्ड टू इम्प्रूव मेमोरी एंड ब्रेन फंक्शन. ये भी कहा जाता है कि ये हमारी मेमोरी को भी इम्प्रूव करते हैं और हमारे ब्रेन फंक्शन को भी अच्छा करते हैं. ड्राइड फ्रूट्स, अब ये जो ड्राइड फ्रूट्स हैं ये हाई होते हैं आयरन में, जो कि इम्प्रूव करते हैं हमारी मेंटल अलर्टनेस. ओके, एंड एनर्जी लेवल, हमारे एनर्जी लेवल को, हमारे मेंटल अलर्टनेस को भी ये इम्प्रूव करते हैं. नेक्स्ट वी हैव कैल्शियम. कैल्शियम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आर बोन हेल्थ, राइट? सो ईटिंग हाई कैल्शियम फूड्स फॉर ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट में अगर हम हाई कैल्शियम फूड्स को खाते हैं तो क्या होता है, इट इन्हांसेस बिहेवियर एंड लर्निंग एंड ऑल्सो स्ट्रेंथन बोन्स. ओके, तो हमारी लर्निंग की पावर बढ़ती है और हमारी बोन्स को भी स्ट्रेंथ मिलती है. तो ये सारे जो फूड्स हैं बच्चों, चाहे वो फैट हो या फिर वो फाइबर हो या फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो, ड्राई फ्रूट्स हो, नट्स एंड सीड्स हो या कैल्शियम हो, ये सारे एक बैलेंस मात्रा में हमें खाने चाहिए. तो हमें अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हमने आज कोई फ्रूट खाया या नहीं खाया, आज हमने नट्स खाए या नहीं खाए. ओके, और इन्हें डेली अपनी डाइट में हमें इंक्लूड करना चाहिए, राइट? तो आप भी करोगे ना इसे इंक्लूड? ओके, इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है. थैंक यू.